हरे कृष्णा। दोस्तों हम लोग आ गए हैं बिहार दिवस में आप सबके लिए अपना ब्लॉग चैनल में, और आप सबको बिहार दिवस कैसा मनाया जा रहा है ये सारा चीज मैं दिखाऊंगा। और चलिए बने रहिए हमारे साथ, आइए। दोस्तों हम लोग आ गए हैं बिहार दिवस में, यहाँ पे आप सबको बिहार दिवस का पूरा ब्लॉग बनाने के लिए मैं आया हूँ। बिहार दिवस 2022 इसका पूरा फुटेज आप सबको मिलेगा, और पूरा ब्लॉग में हम लोगों ने कैसे क्या मस्ती वगैरह किया वो सब भी देखने को मिलेगा, और कैसे ये सारी गेट वगैरह सारी चीज़ें बनाया गया है। और आगे भी बहुत सारे ब्लॉगर वगैरह भी लोग आए हुए हैं बना रहे हैं, तो हम लोग भी आ गए थे, तो आप सबको दिखाऊँगा एक एक चीज़। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये है पेड़ में है ज़िंदगी, ये आप देख सकते हैं, इसका स्टैचू बनाया गया है, बहुत बेहतरीन है। और आगे हमारे साथ कैमरामैन है अभिषेक, आ जाइए साथ में, आगे भी बनाएंगे वीडियो, ठीक है। और ये आगे आपको देखने को मिलेगा कि बिहार दिवस में आपको एकदम अलग देखने को मिलेगा, पूरा बिहार का ये आप देख सकते हैं बिहार का नक्शा है, कैसे 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 सारी चीज़ें हैं बिहार में, कैसे कैसे क्या कौन कौन सा जिला है, ये आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, तो बने रहिएगा और एक एक चीज़ का मज़ा लीजिए। जो भी बिहार में नहीं है वो भी ये वीडियो को देख सकते हैं, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो वीडियो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, वॉच करिए, ये देखिए बिहार का नक्शा। नीतीश बाबू का ये बिहार दिवस जो रहता है ड्रीम प्रोजेक्ट है, और नीतीश कुमार ने इसको अलग हद तक अलग ही प्रेजेंट किया है पूरे विश्व को दिखाने के लिए कैसे कैसे क्या किया जाए, और बिहार का कैसे आगे नाम हो कि कैसे बिहार को किस हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए मज़ा करिए। ये देखिए बहुत अच्छा ये बनाया गया है, बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे लोग फोटोग्राफी वगैरह भी करवा रहे हैं। यहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह भी मना रहे हैं, और बहुत सारा बड़ा बड़ा है Thank you।
श्री अर्जुन कुमार चौधरी जी लोक सरकारी प्रोग्राम में विभिन्न यंत्रों के माध्यम से मंचासीन हमारे सभी कलाकार आप सबों के बीच लेकर आए थे। कोई अपनी नगाड़ा साज के साथ था, तो कोई ढोलक के साथ, कोई पखावज के साथ, तो कोई बांसुरी के साथ सुकून मिल रहा था। इस खूबसूरत शानदार प्रस्तुति के लिए हम मंचासीन सभी बिहार के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों का बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से दिल से आभार व्यक्त करते हैं। एक जोरदार ताली हमारे सभी कलाकारों के लिए और इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। हम आपको ये भी बताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया था और साथ में ऐसे कई बड़े आयोजनों में लगातार रिदम ऑफ बिहार की प्रस्तुति होती रही है और बिहार